सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहां से बड़े वाले पेटी लग रहे हैं, पांच पेटी हर पेटी में सर सर आज हम आपको दिखा रहे हैं पेटी कैसे पैक करते हैं एप्पल की। ये रोल होता है, मजबूत टेप रस्सी होती है, जो भी होती है। तो जी आपको मैं होम टूर देता हूँ, पार्टर में कैसे करते हैं। तो यहाँ से एंट्री होती है, ये नीचे जाता है, ये ऊपर वाली साइड जाता है। तो पहले हम नीचे से चलते हैं, जैसे ड्राइंग हॉल होता है ऐसे ही ड्राइंग हॉल है यहाँ का। सारा वुडन वर्क होता है, ये देख सकते हैं आप। इधर में ये तो हो गया यहाँ का ड्राइंग हॉल। इसके बाद यहीं से साइड में एक दूसरा कमरा, ये भी ड्राइंग रूम ही है, यहाँ सोफे बेड वगैरह है। तो हम यहाँ से चलते हैं दूसरी साइड, श्रुति के रूम जा रहे हैं हम। ये ऊपर जीना चला जाता है, जीने से यहाँ पे जाता है रूम, ये श्रुति का रूम है, एक ये रूम है यहाँ। टॉयलेट है, एक अलग रूम है। रूम गिनते जाना, मुझे नहीं पता कितने रूम्स हैं यहाँ। यहाँ पे स्टोर रूम है, चलो कोई ना इसको रहने दो। यहाँ सर्दियों के लिए गद्दे वद्दे सब पड़े होते हैं, बिस्तर बिस्तर साथ में अखरोट है। यहाँ ये है जापानी फल बोलते हैं इसको, और ये बाहर का व्यू है यहाँ से। तो यहाँ का आपको दिखा दिया, अब चलते हैं ऊपर। सीढ़ियाँ जा रही हैं, एक किचन। तो ये है किचन, सिडकू बन रहे और ये चूल्हा है। ये इसका यहाँ से आग लगाते हैं, ये गर्म होता है और धुआं यहाँ से ऊपर पाइप से निकल जाता है। ये किचन है, ये भी एक यहाँ ड्राइंग हॉल ही है, यहाँ पे आराम से बैठ के ये व्यू यहाँ से। फिर ये उस साइड से जो रास्ता आता है, ये जीने से जो आ रहा था, और ये बाहर का व्यू है। यहाँ से अंदर चले जाते हैं, और ये ऊपर छत के पे जाने के लिए रास्ता है। ये फिर एक और रूम है, ये टीवी लगा था देखने को, ये टीवी का नजारा ले, गरम गरम कपड़ा में बैठ के कम्बल में। यहाँ फ्रिज, ये अलग रूम है, एक अलग से रूम। तो चलो अब आगे चलते हैं दूसरे रूम में। यहाँ डाइनिंग एरिया, फिर बेड, एक और रूम यहाँ से, ये बैक साइड है घर की, साले का रूम बेडरूम है। हाँ एक और रूम है, उसका कंप्यूटर रूम है, ये उनका सेटअप है पूरा यहाँ पे। और ये यहाँ पे खेलने के लिए ऐसे मारते हैं इसको,
और ये यहाँ से बैक एरिया इसका घर का। इधर ये दूसरों का जो कि अभी यहाँ रहते नहीं हैं। तो और ये यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने के लिए बना रखा है गैरेज, नीचे गाड़ी खड़ी है। गाड़ी का भी टूर दूंगा आपको मैं थोड़ी देर में। और ये सारा नज़ारा देख लें आप, क्या वेदर, मस्त वेदर आएगा। तो अभी ऊपर जा रहे हैं, तो आपको, आपने झोपड़ियाँ तो बहुत देखी होंगी मतलब ये ऊपर, तो आपको ये नहीं पता होगा इसके अंदर होता क्या, तो आज हम आपको वो दिखाएंगे अंदर क्या होता है। रहता है कोई नहीं अभी, नहीं अब रूम रहेगा ना बनेगा आगे, अब जब इसके रिपेयर हो जाएगा ना तो ये सिर्फ बैठने के लिए होगा। अच्छा, जब गेस्ट रूम कोई आता ना बहुत, जो पास एक्स्ट्रा सामान है पड़ा होगा। यहाँ पे वेट लिफ्टिंग का सामान पड़ा है, यह ऐसे स्टोर होता पूरा, ऊपर से जो है झोपड़ी टाइप होती है ना, इसमें पूरा स्टोरेज का सामान होता है। यहाँ पे डंबल्स वगैरह भी रखे हैं वेट वगैरह मारने के लिए, तो आपको मार के भी दिखा देते हैं हम हल्का ऐसे था। अरे यहाँ से ये भी हो, तो इस काम में आती है जो झोपड़ी होती है ना ऊपर, ये स्टोर सामान वगैरह स्टोर रखने के लिए होती है। इसमें क्या साइकिल आया था इसमें? हाँ, अच्छा अच्छा, इसमें साइकिल आया था, ये बेंच है, डंबल्स वगैरह, साथ में मिरर भी है। तो आपको इस झोपड़ी का टूर दे दिया आज, जो ऊपर बनाई होती है किस काम के लिए आती है आज आपने देख लिया। तो अभी निकल रहे हैं इससे बाहर, इधर देवता का मंदिर है। ये सामने भी एक मंदिर है देवता का, ये गैरेज है, यहाँ से घर की एंट्री है। और ये सारा जुबल है, इससे बिल्डिंग के नुकसान भी। हाँ हाँ, और और इससे उस साइड है जो रोडू आगे, हाँ इससे आगे रोडू 22 किलोमीटर। हाँ हाँ, तो ये यहाँ के घर का टूर दे दिया, हिमाचल में कैसे घर होते हैं, मंदिर कैसे होते हैं, मंदिर कैसे होते हैं। ये सब भी एप्पल अखरोट नाशपाती के पेड़ लगे हुए हैं, ये ऊपर एप्पल का बगीचा है। ये देखो जिस ऊपर सूरज देवता भी निकल रहे हैं अभी, पर बादल अड़े हुए हैं तो इसलिए निकल नहीं पा रहे हैं। अगर सूरज देवता निकल जाते हैं सारी फोग हट जाएगी यहाँ से। शाम को यहाँ पे चेयर्स डाल के मस्त व्यू का आनंद लेते हुए